absolutely fantastic story. And she sang for the Prime Minister. We should all feel very proud. Right at the moment with us from the Congress, and let's ask him what's happening as far as the Congress is concerned. Our old friend, Mr. Hanuman Pawar. Hanuman Pawar ji, namaskar. Ram Ram, namaskar. Ram Ram, sir. Ram Ram, Jai Siya Ram. Namaskar, sir. Hanuman Pawar ji, ye kya ho raha hai, sir? Kya Himachal Pradesh mein bhi sarkar ja rahi hai? Operation Kamal successful ho gaya wahan pe? Nahi hua. Abhi nahi hua. Chaliye, good. Hoga bhi nahi. Hoga bhi nahi. Zabardast. I love to hear that. That's the confidence. Sir, nahi hona chahiye. Very frankly speaking. देश को एक मजबूत विपक्ष की बहुत बहुत जरूरत है और अभी जिस प्रकार हर चीज चल रही है राज्यसभा के चुनाव में ये देखा गया कि क्रॉस वोटिंग हुई कर्नाटक में. सर आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही. सॉरी, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग आपके पक्ष में हुई, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जितने कुछ एमएलए थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करी. अब ये कांग्रेस का जानक सवाल है. बार बार ये बात कही जा रही है. इनफैक्ट सुबह तो ये खबर आ गई थी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है. ये भी कहा जा रहा था उन्होंने रिजाइन कर दिया है. तो उनको सामने आना पड़ा, तीन चार बार उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि भैया मैं अभी तक यही हूँ और सरकार कहीं नहीं जा रही है. ये हो क्या रहा है सर? जरा हनुमान पवार जी इसका विश्लेषण करके बताएं ना हमारे दर्शकों को प्लीज. पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष के जो एमएलए है या सांसद है उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना दबाव है. हर जो जबरदस्ती का प्रयास सेंट्रल एजेंसियों को हाथ में लेकर मोदी गवर्नमेंट कर रही है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएलए खरीदे जाते हैं, उन पर दबाव डाला जाता है, उनको जेल के अंदर डालने की धमकियां दी जाती है. पूरे जोर शोर से सेंट्रल एजेंसियों का गैर इस्तेमाल किया जाता है और इतना करके भी अगर वोट नहीं होता तो वोट ही बदला जाता है. चंडीगढ़ में हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये सामने लाया है. तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि दो चार पांच छह वोट इधर उधर अगर हो जाते हैं तो बीजेपी का जो संकट हमारे लोकशाही पे डेमोक्रेसी पे मंडरा रहा है उसका ही एक नतीजा है. हनुमान पवार साहब, कल अमित शाह ने जिस प्रकार से कहा कि हमने 10 साल ट्रांसफॉर्मेशन का बोला, जो सीमा और हमारा सेना पर हमला करेंगे हम घुस के मारेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक उसका एक उत्तम उदाहरण था. और वो कंपैरिजन जनरल कांग्रेस के रूल में कर रहा था कि 10 साल आप रिटेलिएट नहीं कर पा रहे. मनमोहन सिंह 26/11 के बाद रिटेलिएशन नहीं हुआ, पूरे देश देखते रहे. तो आगे जाके उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स और यू नो आर्टिकल 370 जिस प्रकार से इनकॉर्पोरेट किया, स्टोन पेल्टिंग, टेररिज्म, स्कूल्स खुल गए, थिएटर्स 30 साल के बाद खुल गए, मुहर्रम के प्रोसेशन 370 के बाद कश्मीर एक नया एक जगह बन गया जो टोटल ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, लिटरेचर सब फ्लरिश कर रहे. तो क्या ये चेंज आप मानते हैं कि चेंज डेफिनेट हुआ और ये चेंज कांग्रेस के जमाने में देखने को नहीं मिला जो अमित शाह जी बोल रहे थे और बोलना चाहते थे? आर यू इंप्रेस्ड पवार साहब? जो पार्टी झूठ के बलबूते पे ही खड़ी हो उसके मुखिया से हम दूसरी क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज तक हमें ये पता नहीं चला. मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब का बयान आपने बताया इसलिए पूछ रहा हूं. मैं आज तक हमें पता नहीं चला कि 200-250 किलो लगभग आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया था. हम ये जानना चाहते हैं, ये देश जानना चाहता है, जिन हमारे सैनिकों की, हमारे मिलिट्री के जवानों की जाबाज जवानों की जान जिस हादसे में गई वहां का स्पोर्ट होने वाला आरडीएक्स कहां से आया था. अमित शाह साहब से मैं आपके जरिए से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं बताते आपको आरडीएक्स कहां से आया था. भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत पास में अगर कोई जगह होती तो हम कुछ तो टेररिज्म के ऊपर या कुछ तो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगा सकते थे, लेकिन पुलवामा भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से कहीं अंदर है,
वहां तक अगर इतना आरडीएक्स आता है तो क्या हमारी होम मिनिस्ट्री का ये फेल्यूर नहीं है? और जिन्होंने इनके ऊपर सवाल पूछे, सवाल खड़े किए, उस वक्त के राज्यपाल मलिक साहब के घर पे ये ईडी और सीबीआई के छापे क्यों मार रहे हैं? मलिक साहब ने पूछा हुआ सवाल, अभी भी उसका जवाब किसके पास नहीं है। रही बात कश्मीर के आर्टिकल 370 की, जो बात करते हैं, लगभग दो साल होते आए हैं, हमारी ये मांग है कि वहां चुनाव क्यों नहीं ले रहे हो आप? अगर आप भाषण में बताते हो इतनी अच्छी परिस्थितियां वहां है, तो अमित शाह साहब को जितना हर्ष है, जितना आनंद है, उतना ही हमें भी है। लेकिन सच और झूठ के बीच में कश्मीर के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों चुनाव लेने से सेंट्रल गवर्नमेंट डरता है? वहां के जो पॉलिटिकली लीडर है उनको आज भी कब्जे में क्यों ले रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में? इंटरनेट आप बंद करते हो वहां के, वहां हमारे मिलिट्री के नौजवानों पे, जवानों पे आज भी हमले हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है। कश्मीर के आम लोगों की भी आज भी जान जा रही है। तो भाई अमित शाह साहब किसी भी चुनावी रैली में जाके कुछ तो बोलते हैं, और पूरे देश ने मीडिया में और हमारे जैसे विपक्ष के लोगों में अगर उनके ऊपर विश्वास रखना ऐसी उनकी मंशा है, तो ये अब नहीं होगा। हम सवाल पूछेंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा, लोग सवाल पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मीडिया भी अब सवाल पूछेगी। लेकिन यहाँ पर हनुमान पवार साहब, एक और चीज है, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा उसका तो आपने जवाब दिया, लेकिन ये एक और चीज है, आपको मालूम है ना कि वो सीआरपीसी विड्रॉ कर ली गई है, पता है ना आपको, सीआरपीसी बदल दी गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, अब 1 जुलाई के बाद जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो लागू होगा 1 जुलाई के बाद, और उसमें एक प्रावधान है, इन्होंने सेक्शन 124A विड्रॉ कर लिया है। सेक्शन 124A सेडिशन यानी देशद्रोह, देशद्रोह का मामला विड्रॉ कर लिया गया है। आपको मालूम है उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? कुछ मालूम है आपको इसकी, इस विषय में जानकारी है आपके पास या दूम है? संसद में मैं देता हूं सर, आपको जानकारी दे देता हूं मैं सर। संसद में उस वक्त ऑपोजिशन के 143 के करीब मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था, तब ये पास किया जी, गया जी, लेकिन ये प्रावधान जो है ये सर बड़ा खतरनाक है, वेरी फ्रेंकली। इसमें ऐसा है कि अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, कोई भी जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, आईओ, सब इंस्पेक्टर, वो तय करेगा कि आपने आलोचना की है, आप 5 साल के लिए जेल की उसमें वो सजा है, और 5 करोड़ का जुर्माना है सर, 5 करोड़ का जुर्माना है। अब आप ये बताएं ये क्या हो रहा है सर, इसके ऊपर तो आप लोगों को बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे जितने चैनल हैं उनको बोलना चाहिए, आप बोल रहे हैं हम जी, बताइए। पहले दिन से, जब से ये कानून लाने की कोशिश सरकार ने की और जब संसद में ये कानून लाया गया जी, तब क्या हुआ वही मैं बता रहा था आपको, आपने ही बता दिया। लेकिन फिर भी हम रास्ते पे इस कानून के खिलाफ लड़े हैं, हमारे स्पोक पर्सन ने बात की है कांग्रेस पार्टी का, सीधे तौर पे ये जो इन्होंने बिल लाया है ये लोगों की आवाज बंद करने की सबसे बड़ी साजिश है। ये इस देश में हम जिसे मोदी सरकार, इस देश पे संकट है क्यों बोलते हैं हम, तो ये कानून उसका सबसे पुख्ता नजर आता है हमें कि ये देखो, एक कानून इसलिए बनाया गया है कि मोदी साहब से कोई सवाल नहीं पूछेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा, मीडिया पर्सन हो, बुद्धिजीवी लोग हो, विद्यार्थी हो या हम जैसे विपक्ष के लोग हो, किसी ने भी मोदी साहब को सवाल पूछा हुआ इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। ये हमने 10 साल में भी देखा है, किसानों ने सवाल पूछा तो ये खलिस्तानी बोलते हैं, जेएनयू के हमारे स्टूडेंट भाइयों ने सवाल पूछा तो वो उन्हें नक्सलाइट बोलते हैं, हमारे जो लोग रास्ते पे आके इनके नीतियों का विरोध करते हैं इन्हें लगता है हमारा विरोध करते हैं। मोदी साहब इस देश के तानाशाह बन चुके हैं, इसीलिए ये कानून बनाया है, इनको ऐसा लगता है कि सत्ता हमारे पास ही रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम देख रही है ये कानून कांग्रेस सरकार में आते पहले दिन बदला जाएगा, इतना ये घिलौना कानून है। इस देश में जो तानाशाह बैठे हैं मोदी साहब, इन्होंने खुद की रक्षा के लिए जो बुरे काम किए हैं, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तक जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, कंपनियां बेच के बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है,
वो लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, इसके लिए ये कानून इन्होंने बनाया है, ये कानून हम बदल कर ही रहेंगे। वो राहुल गांधी की फुटेज सर काशी की, अरे जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश की? हाँ जी, उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश काशी, काशी बनारस की। नो, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, अरे क्या बात, अरे उत्साह देखिए। प्रदीप जी आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी प्लीज गो अहेड। अमित शाह जी ने इंडिकेशन दिया, अमित शाह जी ने इंडिकेशन दिया कि CAA को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करने के पूरे प्लानिंग चल रहा जी। उन्होंने कहा कि रूल्स आर गोइंग टू बी फ्रेम्ड, बोले कि ये कांग्रेस अपने ही काम भूल रहे। सीए एक्चुअली महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल की आइडिया था, ये तीनों बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के थे उनके आइडिया था कि परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज हमारे नेबरिंग कंट्रीज के, उनको हम अपने देश में सिटीजनशिप दे, उनको प्रोटेक्ट करे, उनका नागरिकता को संरक्षण दे। तो ये कांग्रेस खुद भूल चुका है कि ये उनके फाउंडिंग मेंबर्स ने प्रपोज किया था और आज मोदी जी इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा थोड़ा सक्षम हो रहे, यानी बिल तो पास हो गया। तो ये CAA का विरोध कांग्रेस क्यों कर रहा है? कल अमित शाह जी वही बड़ी सभा में सबसे पूछ रहे, व्हाई इज कांग्रेस अपोज टू CAA when it is their own leaders that have proposed this or Modi ji isko implement kiye? Paul sir, Congress NRC CAA ka virodh kyun karti hai, iska sawal, is sawal ka jawab main thodi der baad dunga. Pehle Bharatiya Janata Party ke kisi bhi ek shakhs ki main pure hosh aur awaz mein, main puri zimmedari ke saath agle word ka istemal karne ja raha hu कि भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता में नेता पदाधिकारी की यह औकात नहीं है कि वो महात्मा गांधी, सरदार पटेल जी, नेहरू साहब का नाम ले ले। उन्होंने जो एनआरसी सीएए में जो ये संबंध उनका जोड़ रहे हैं, कहीं भी इतिहास के पन्नों में अगर ऐसा अमित शाह साहब हो या बीजेपी का कोई बंदा हो ये हमें दिखाए कि गांधी जी हो, नेहरू जी हो, पटेल जी हो, कि किसी एक धर्म के लोगों के लिए एनआरसी सीए कानून लाने की बात इन लोगों ने की थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो या सिख हो, सबके लिए इस देश में एक जैसे कानून रहेंगे, ये बात हमारे बुजुर्गों ने कही थी, हमारे नेताओं ने कही थी। अब जो एनआरसी सीए की जो बात अमित शाह साहब कह रहे हैं, वो एनआरसी सीए मोदी साहब ने ही भरी सभा में कहा है कि हम लागू करने वाले नहीं है। तो पहले अमित शाह साहब और मोदी साहब, इनकी तो एक बात होनी चाहिए, तो कब कांग्रेस वाले हम बोलेंगे? उनमें आपस में ताल्लुकात नहीं। उनके आसाम के जो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग बात कहते हैं, अमित शाह साहब अलग बात कहते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जहां बीजेपी के मिनिस्टर रहते हैं, वहां के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो अलग बात कहते हैं। आरएसएस वाले एनआरसी सीए को लेकर अलग बात कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने भरी सभा में कहा है कि एनआरसी सीए हमने पीछे रख दिया है। तो भाई बीजेपी वालों ने पहले आपसी पार्टी में अपने ये तय करना है कि एनआरसी सीए लाने वाले है या नहीं लाने वाले है। उनका तय हो जाने के बाद हम देखेंगे, कांग्रेस वाले संसद में देखेंगे, रास्ते पे देखेंगे, हम हर जगह उनको एनआरसी सीए के खिलाफ हम लड़ेंगे, क्योंकि एनआरसी सीए मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने की सबसे बड़ी बीजेपी की साजिश, ऐसा ही हमारा पहले दिन से कहना है। वो बिल में उन्होंने वो दिखाया भी दिया है, तो हम तो लड़ने वाले हैं, हम देश को धर्म में, जाति में बांटने नहीं देंगे। लेकिन हनुमंत पवार साहब, सॉरी प्रदीप जी, आई रियली नीड टू क्लैरिफाई दिस, एज फार एज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज कंसर्न, इट डज नॉट अप्लाई टू इंडिया, भारत के ऊपर तो लागू नहीं होता। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भारत के ऊपर लागू क्यों होता है? जितने भारत के नागरिक हैं उनके ऊपर तो लागू होता ही नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उन गैर मुस्लिम लोगों के लिए है जो मुस्लिम देशों में हैं, जो मुस्लिम मेजोरिटी देशों में हैं, भारत के आसपास जो देश हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को जो ज़्यादातर हिंदू हैं या सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, यहूदी हैं, उनको अगर भारत में पनाह चाहिए तो उसके लिए है। और साथ में ये भी कहा गया है कि भाई वहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये मुसलमानों पे कैसे लागू हो सकता है? और पाकिस्तान जाने के लिए द मुस्लिम्स चोज टू गो टू पाकिस्तान, वी कैन नॉट ओपन आवर डोर्स फॉर देम अगेन। कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम शख्स है पाकिस्तान में, वो कहता है कि साहब मुझे इंडियन सिटीजन बनना है, तो ही विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, भाई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो,
जो करना है, जो आगे प्रोसेस होता है उसके थ्रू आइए, लेकिन जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, जैसे सिख हैं, जैसे हिंदू हैं, इन सब के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया। तो यहां पर हिंदुस्तान के मुसलमान कहां से आ गए सर, बताएं। ये सबसे अच्छी बात आपने पूछी, बीजेपी का जो एनआरसी सीए को लेके जो भूल भुलैया देश में प्रोपोगंडा फैलाने की साजिश है, उससे ये बात छुपा के रखी जाती है। ये जो कानून बीजेपी वाले बता रहे हैं, वो क्या बीजेपी ने लाया है? अदनान सानी को जब इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी तो किस कानून के तहत दी गई थी भाई? बिल्कुल। तो वही बोल रहा हूं मैं कि अगर हिंदुस्तान की सिटीजनशिप किसी को देनी है तो कानून था, यहाँ था। किसी देश का वो हिंदू है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है, इसके ऊपर ये तय नहीं होता था। अब आपने जो कानून बताया उससे मुसलमान छोड़ के सबको ये तय होने वाला है, तो हम वहां खड़े हैं। वो कैसे तय होने वाला? नहीं, मुझे मालूम नहीं। इंडियन नहीं सर, ये एक्सप्लेन कीजिए मुझे। सर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एज प्रपोज्ड एंड पास्ड इन पार्लियामेंट हैज नथिंग टू डू विद इंडियन सिटीजंस। भारत के नागरिकों के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। बिल आप अमित शाह साहब ने जब बिल पेश किया था तो लगभग डेढ़ दिन संसद में चर्चा चली थी। उसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान में आए हुए बाहर के जो लोग हैं उनको भी अपनी सिटीजनशिप यहाँ सिद्ध करनी पड़ेगी। तो आसाम के लोगों, कश्मीर के लोगों, कल कोई मुंबई में आके भी किसी को भी बांग्लादेशी कह सकता है, तुम्हारा बोल सकता है। तो ये तो इनका पॉलिटिक्स है। नो सर, ये तो उनका पॉलिटिक्स है। नो सर, द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। एनआरसी बाय द वे वॉज प्रपोज बाय द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर मिस्टर हितेश्वर साइकिया। हितेश्वर साइकिया साहब ने एनआरसी प्रपोज किया था असम के लिए, उसके बाद वो पास हुआ और उसके बाद वो इंप्लीमेंट हुआ जी इनके वक्त, बीजेपी के वक्त, क्योंकि किसी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ने वो इंप्लीमेंट नहीं किया। But what does that have to do with the CAA? Citizenship Amendment Act is completely different, sir. Citizenship Amendment Act में अगर किसी धर्म के ऊपर वो एक्ट लागू होने वाला है तो कांग्रेस तब भी खिलाफ थी, अब भी खिलाफ है। सर, किसी के ऊपर लागू नहीं होने वाला। सर, भारत के किसी नागरिक पर नागरिक संशोधन कानून नहीं लागू होता। मैं वही बात नहीं बोल रहा, भारत की सिटीजनशिप सर, भारत की सिटीजनशिप धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती, नहीं रोकी जा सकती। कांग्रेस का क्या कहना है? क्या कांग्रेस का यह कहना है कि पाकिस्तान से जो भी मुस्लिम हिंदुस्तान का सिटीजन बनना चाहता है वो आ जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? उनके दादा परदादा ने ये तय किया कि उनको पाकिस्तान चाहिए, उनको पाकिस्तान मिल गया, दैट्स इट। हम ये स्पष्ट रूप से हमने संसद में कहा है, अब के चालन में भी कहते हैं कि भारत की सिटीजनशिप अगर किसी को देनी है तो उसका धर्म मायने नहीं रखना चाहिए। वो ब्रिटेन से आने वाला हो, बांग्लादेश से आने वाला हो, नेपाल से आने वाला हो या पाकिस्तान से आने वाला हो। आप कौन बैठे हो, मैं कौन बैठा हूं यहाँ कि अगर भारत की सिटीजनशिप किसे देनी है तो वह धर्म के आधार पर तय होगी। आपके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में धर्म मतलब रखता है, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते कि कोई मुसलमान आ रहा है। हिंदूज आर पर्सिक्यूटेड इन पाकिस्तान, Sikhs are being persecuted in Pakistan. Hindu girls. क्या होता है? जी. पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में please, आप मेरी Hindu girls are being abducted and forcibly converted. They want to come to India. You are stopping them. नहीं. पाकिस्तान में क्या होता है इसके ऊपर हमारे एक्ट क्यों होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? पाकिस्तान में क्या होता है इसके ऊपर हमारे एक्ट होने चाहिए? They are looking towards India. हम क्यों फिकर करें? क्यों नहीं करें? पाकिस्तान में क्या होता है इसके ऊपर मेरी संसद में क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? बिल्कुल, हमारे देश की सिटीजनशिप किसको देनी है, धर्म के आधार पे देनी है या नहीं देनी है, ये पाकिस्तान तय करेगा। हम तय करेंगे।
पाकिस्तान कैसे तय करेगा? हम तय करेंगे ना करने में, सर हम तय करेंगे करने में, मतलब क्या हम तय करेंगे कि माइनॉरिटीज को जो बाकी देशों में प्रोसिक्यूटेड हैं, जिनका शोषण हो रहा है, अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उनके लिए आसान कर दिया गया है। दैट्स इट। बिल्कुल ऑब्जेक्शन क्या है? बिल्कुल ही नहीं, एक ही ऑब्जेक्शन है कि वो धर्म के नाम पे तय नहीं होने वाला। क्या बात है सर, मतलब के वो मरते रहे वहां पे, कटते रहे हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को, सिख गुरुद्वारों को आप जलाते रहो, काटते रहो, और भारत वहां पे देखता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया। हिंदुस्तान का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास है, श्रीलंका में भी अगर कोई कट रहा है ना, तब हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर को खो दिया है, हमने वहां सैन्य डाला था, हम किसी भी कट रहे आदमी को बचाने के लिए है। हनुमंत जी मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, आपने IPKF भेजी वहां पर तमिल टाइगर्स के खिलाफ, तमिलों के खिलाफ आप बिल्कुल ही नहीं भेजी। बिल्कुल ये सरासर झूठ इल्जाम है, आप जैसे जिम्मेदार जर्नलिस्ट से, उम्मीद नहीं है सर, श्रीलंका में जो जाने जा रही थी उनको बचाने के लिए हमने सेना भेजी थी, उसे शांति सेना कहा जाता था, वो किसी एक मजहब के किसी एक ग्रुप के लोगों को बचाने के लिए और मारने के लिए नहीं भेजी थी। आप भली भांति जानते हैं वहाँ शांति सेना, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की जान बचाने के लिए भेजी गई थी, उसकी कीमत चुकाई है, क्योंकि तमिलों की जान बचाने के लिए भेजी गई थी। हनुमंत पवार साहब सुनने की भी तो क्षमता रखते हैं, उनकी शहादत हनुमंत पवार साहब सुनने की भी क्षमता रखते हैं, हनुमंत पवार साहब सुनने की भी क्षमता रखते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है। हैंग ऑन मिस्टर जूनियस जयवर्धने वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द शो ऑफ श्रीलंका, मिस्टर राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बोथ ऑफ देम हैड अ पैक्ट that they would disarm all the rebels, the Tamil rebels in Sri Lanka. Agar aisi baat thi, so why did the LTT attack the Indian peacekeeping force? Agar wo unki jaane bachane ke liye aaye the, to Indian peacekeeping force ko attack LTT ne kyun kiya? Ab phir Rajiv Gandhi sahab ko mara kisne? Ye to aapko pata hai bhai. LTT ne mara. Correct. Isse zyada aapko pata hai. LTT ne mara. Agar wo unko bachane ke liye gaye the, to kaun marega? कौन बोला उनको बचाने के? श्रीलंका आपने बोला, आने जा रहे आपने नहीं, बोला आप, नहीं नहीं सर, आप श्रीलंका आप बोले कि तमिल लोगों को बचाने के लिए भेजा था, सिंहली हो श्रीलंका का नागरिक हो, वहां का आम आदमी जो मर रहा था उसको बचाने के लिए शांति सेना भेजी थी। आप कह रहे हो कि एक के बाजू में भेजी थी, एक के विरोध में भेजी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अमित शाह जी का कहना है कि कांग्रेस, सर आप ये बोलते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है, भले 60 से 70 साल रूल किए बट विदाउट कुछ आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है बहुत कुछ होने वाला है, इंडिया कुछ होने वाला है, आप भी देखने वाले हो, हम भी देखने वाले हैं। और सब ये अमित शाह जी ने मोदी जी के पूरे 2047 तक का प्लान अनाउंस किया था कल, उन्होंने कहा कि 2027 तक $5 trillion थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2030 $2 trillion एक्सपोर्ट्स, 2035 इंडियन इन स्पेस सेंटर, इंडिया का स्पेस सेंटर होगा, 2036 ओलंपिक को होस्ट करेंगे पूरा प्लान तरीके से, 2040 चंद्रमा पे इंडियन लैंड करेगा, इंडियन लैंड मैन मिशन इन ऑन इन चंद्रमा, 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, इंडिया विश्व गुरु हो जाएगा। ये मोदी जी अमित शाह जी का कहना कि मोदी जी ने प्लान बनाया देश के लिए, विजन है, प्लान है, सब कुछ है, कांग्रेस 60 साल रूल किए, नो प्लान, नो विजन, नो गोल, वो भारत का चिंता कभी नहीं था उनके पास, उनको जितने नेता था उनको अपने बच्चों को सीएम बनाना था, लोभी थे, परिवारवाद थे, नो प्रिंसिपल्स थे, पवार साहब नो विजन था कांग्रेस, मोदी जी का कहना 2003-2004 में हमारे महाराष्ट्र के अब नहीं रहे बहुत बड़े नेता थे बीजेपी के, शाइनिंग इंडिया की कैंपेन लगा के घूम रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, फिल गुड का माहौल बता रहे थे, जैसे
अमित शाह साहब ने अगले 10-20 साल का गिनाया है वैसा वो भी गिनते फिरते थे, लोगों ने क्या किया आपके सामने है, आपने उनको देखा है, मैं छोटा था लेकिन हमने पढ़ा है देखा है कि फील गुड शाइनिंग इंडिया ये एडवर्टाइजमेंट का जो हुआ 2004 में वही अब 2024 में होने वाला है, वही होगा। तो ये जो जिस प्रकार से मोदी जी का स्लोगन है, विकास भी है विरासत भी है, जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन, नए भारत नए कार्य संस्कृति, ये 10 साल में हमने दिखाया है पूरे देश को और पूरे दुनिया को कि किस प्रकार जिसका शिलान्यास उसका उद्घाटन, कल ही 2000 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट शिलान्यास कर दिया था, उससे पहले द्वारका में गए थे सुदर्शन सेतु और पानी में सबमर्श करके स्कूबा डाइविंग करके उन्होंने पूजा कर दी, तो ये चीज दिख रहा है। मोदी जी का कहना है जो ही है विकास भी है विरासत भी है, शिलान्यास जो कर रहा है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक है बिकॉज इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी हुआ नहीं था। पवार साहब मोदी जी का कहना है, आज जब हम बात कर रहे हैं तब मोदी साहब मेरे महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के यवतमाल में आज थे कुछ घंटे पहले जी। वहां थे वो उसी यवतमाल में आके 2014 को और उससे पहले 2013 को भी मोदी साहब ने आके कहा था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, यवतमाल में ही आके कहा था। आपको नहीं दिखता है, आपको शिलान्यास वो जो बोले वो दिख रहा है, आपको नहीं दिखा 2014 में वो बोले थे कि किसान की आत्महत्या मैं रोकूंगा, आज हर दिन 18 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है विदर्भ में है जी। तो मोदी साहब ने जिस जिले में आके कहा था कि मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा, क्यों नहीं माफ किया किसान का कर्जा? 2005 से लेके 2015 तक इस 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला गया था, यह आपको पता है मुझको पता है, बीजेपी में गिनवाया तब भी वो बताएंगे, लेकिन आज मोदी साहब का सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहता है कि 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, तो 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर कब लाएंगे, उसका शिलान्यास कब करेंगे आप? 27 करोड़ लोग अगर हमने 10 साल में बाहर निकाले तो 22 करोड़ लोग आप कब निकालने वाले हो गए 10 साल आपके। तो मोदी जी जो कहते हैं उससे मुकर जाते हैं, यवतमाल के लोगों ने भी आज देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन जहां तक उसका सवाल है, हैंग ऑन अ मिनट, एज फार द फार्मर्स थिंग इज कंसर्न, आई थिंक वन एरिया वेयर द गवर्नमेंट टुडेज गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली इग्नोर्ड द रियल इश्यू ऑफ फार्मर्स इज दिस गवर्नमेंट। व्हाई इज दैट? क्योंकि मोदी जी और बाकी जितने भी लोग हैं वहां पे, काफी तो किसान के बच्चे हैं सर, आप देखिए ना आज की तारीख में जितने भी मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, आई एग्री मोदी जी का झुकाव ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स की तरफ रहता है, ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स की तरफ रहता है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी उसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, तो उनको तो समझाना चाहिए ना उनको जाकर के कि सर क्रॉप पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी। आज की तारीख में सर विदर्भ में, आप मुझे बताइए, आप खुद किसान हैं हनुमंत पवार साहब, विदर्भ में ये किसकी अकल थी कि विदर्भ के अंदर आप शुगर केन ग्रो करेंगे? विदर्भ जैसे इलाके में गन्ना, हाउ कैन यू डू दैट सर? पूरा वाटर टेबल खत्म हो गया वहां पे, एक सूखा पड़ा मामला खत्म, और आज की तारीख में बाकी महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, हर जगह पे रबी क्रॉप जो है, खड़ी हुई क्रॉप जो है वो खत्म हो गई है बारिश की वजह से और ओले की वजह से। तो अब क्या होगा वो जरा बताएं मुझको, ये रबी क्रॉप जो है उसका कितना नुकसान हुआ है ये बताएं पहले। सेंटर गवर्नमेंट का किसानों को लेके जो रवैया है वो पहले दिन से किसानों को ये सरकार दुश्मन समझते आ रही है। जो किसान आंदोलन हुआ वो आपने भली भांति कवर किया, वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपने देखा है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूं, पता है दर्शकों को भी पता है। लेकिन आज की तारीख में मुझे तो 3-4 बार भी मैंने पढ़ के देखा तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि कौन है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में कृषि मंत्री, कौन है पता है? कभी सामने आए मीडिया में आए? इतना प्याज का बड़ा मसला खड़ा हुआ महाराष्ट्र से लेके पूरे हिंदुस्तान का प्याज मिट्टी में मिल गया। 46 रुपए केजी इंटरनेशनल मार्केट में प्याज जा रहा था हमारा, निर्यात बंदी उन्होंने डाल दी, वो 10 रुपए 8 रुपए 7 रुपए किलो हमने भेजना पड़ा। इस देश का कृषि मंत्री सामने आया ही नहीं,
बात ही नहीं की। अब भी जब किसान चंडीगढ़ में बैठ के जो आश्वासन आपने पिछला आंदोलन पीछे लेने के वक्त दिए थे उसके ऊपर लड़ रहे, उसके ऊपर बात कर रहे, कौन जा रहा है उनसे बात करने के लिए? आप बोले किसान के बच्चे इधर, भाई मुंबई में जो हमारे बैठे थे वो गोयल साहब जा रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, मोदी साहब नहीं जा रहे हैं, वो तोमर साहब ने जिन्होंने इतने बड़े सब आश्वासन दिए थे वो तो वहां नहीं, अब चले गए वो मध्य प्रदेश में। तो किसानों का, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसानों को देखने का नजरिया दुश्मनी का रहा है, ये सीधे तौर पर बताता हूं मैं। इस बार किसान का वोटिंग का जो रवैया है वो क्या अलग रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ही रहेगा। किसानों को अब ये प्रचार करने की या कोई उनके सामने जाके ये बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं, किसान भुगत रहा है। डीएपी का जो खाद की गोनी 2014 को 450-500 रुपए में मिलती थी वो अब लगभग 2000 रुपए तक चली गई है। पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ जो शहरी इलाका है वहां के लोगों के लिए ही परेशानी का मसला, ऐसा नहीं, खेत में जो हम ट्रैक्टर चलाते हैं, दूसरी मशीनरी चलाते हैं, उसको सबसे ज्यादा डीजल लगता है, तो वो भी खर्चा हमारा बढ़ गया है। और जो हमारी एमएसपी से जो खरीद का मसला था, तो एमएसपी कम होती जा रही है और जो हमारी लागत है वो बढ़ती जा रही है, पेस्टिसाइड के भाव, खाद के भाव, पर हेक्टेयर के भाव कितना खर्चा आता होगा सर? पर हेक्टेयर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए कितना खर्चा आता होगा? वो हम फसल कौन सी लेते हैं, अगर हम प्याज लेते हैं तो अलग है, सोयाबीन लेते हैं, आप देखो सोयाबीन की मैं बात करता हूं, मेरे मराठवाड़ा रीजन में लगभग सोयाबीन की फसल अब सबसे ज्यादा रहती है, 65-70% किसान इस हंगामे में सोयाबीन लगाते हैं। तो 1 हेक्टेयर सोयाबीन उगाने के लिए हमें कम से कम मैं बोल रहा हूं 20-25 हजार रुपए खर्चा आता है, 20-25 हजार रुपए 1 हेक्टेयर में खर्चा। और जब सोयाबीन निकलता है तो सोयाबीन को 4500 भाव है, 2014 में जो भाव था वो ही अभी भी भाव है। तो 14 से लेकर 24 तक सोयाबीन का पर हेक्टेयर 50 हजार रुपए हमारा घाटा है, पर हेक्टेयर 50 हजार रुपए, 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर कम से कम खेती रहती है, सोयाबीन लगाते हैं। ये जो दिवाली अब आने वाली है, ये जो दिवाली आने वाली है, पूरे मराठवाड़ा के महाराष्ट्र का जो मार्केट है जिनका व्यापार है, बिजनेस है, वो भी दिवाली के ऊपर चलता है। और दिवाली किसके ऊपर चलती है? तो हमारे जो किसान की सोयाबीन की फसल है वो मार्केट में आती है, वो बेचने के बाद उनके हाथ में पैसा आता है। इस दिवाली में हमारे घर दिया नहीं जलेगा, इतने कम भाव सोयाबीन के है, सरकार नहीं देख रही, इसलिए तो हम एमएसपी के लिए आपको चंडीगढ़ पंजाब के किसान लड़ते हुए दिखते हैं, वो एकजुट है, हमसे ज्यादा जोर से वो लड़ते हैं। लेकिन हमारी भी वही अवस्था है, हमारा एमएसपी से हमारा ना चना हमारा बेच रहा है एमएसपी से, ना हमारा सोयाबीन एमएसपी से बेच रहा है। 15 हजार रुपए अगर कॉटन को भाव मिलेगा तब हमारी लागत निकलती है। सर आपको बताने में मुझे बहुत दुख है, 8.5 हजार रुपए से ज्यादा कॉटन का भाव नहीं है, 7 से 8.5 हजार रुपए आज कॉटन का भाव है। जितना हमें चाहिए उतने, जितना हमने लगाया उससे आधा भाव मिल रहा है हमको। लेकिन मोदी साहब यवतमाल में आके भी कोई बात नहीं किए, पूरा भाषण उनका सुनिए आप, यवतमाल में सबसे ज्यादा कॉटन विदर्भ में होता है महाराष्ट्र में, लेकिन कपास के भाव के ऊपर कोई भी बात उन्होंने नहीं की। मराठा आरक्षण, मराठा आरक्षण, क्या मराठाओं को न्याय मिला? बिकॉज जरांगे पाटिल जी पे एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, एसआईटी इंक्वायरी चालू हो गया, ये कह रहे हैं कि किसी कोई पॉलिटिशियन उनका कारखाने में पत्थर फेंकने का ऑर्डर मिला था, तो ये पूरा एक नया, तो क्या भुजबल साहब बोल रहे थे, ना भुजबल साहब खुश है, ना जरांगे पाटिल खुश है, कौन खुश है? रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया बट कोई खुश नहीं दिख रहा, उल्टा केस पे केस फाइल हो गया मराठा समाज पे। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपके चैनल पे ही जब ये आंदोलन जोर शोर से चालू था तब मैं आया था, आपने पूछा था, तभी भी मैंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 50% की रिजर्वेशन की लिमिट अगर बढ़ाता नहीं है तो जो कुछ भी होगा वो कोई भी मायने नहीं रखता। आज जो 10% मराठाओं को अलग रिजर्वेशन दिया है, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी जबान है, आप रिकॉर्ड पे रखिए, ये वो सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। 2 बार ऐसा खेल खेल चुके थे महाराष्ट्र में पॉलिटिशियन, हमारी भी सरकार थी, फडणवीस साहब की भी सरकार थी, 2 बार सेपरेट रिजर्वेशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना नहीं था 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं चलेगा। अगर मराठाओं को रिजर्वेशन देना है तो 50% की रिजर्वेशन की लिमिट संसद में हमें बढ़ानी चाहिए। तो चलते चलते पवार साहब,
पवार साहब, तो चलते चलते जो अभी आप कह रहे हैं आपको भी मालूम है, प्रदीप जी को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हमारे सभी दर्शकों को भी मालूम है, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, सब मराठा आंदोलन से जितने लोग जुड़े हैं, भले वो मराठा हो नॉन मराठा, उनको भी मालूम है। तो आपको लगता नहीं है कि अंदर उनके रोष होगा, गुस्सा होगा कि यार ये तो फिर हम बेवकूफ बन गए? तो वो क्या प्रदर्शित होगा जब वो चुनाव में जाएंगे बटन दबाने के लिए? क्या लगता है सर आपको? सर मैं ज्यादा नहीं बोलता, यहां बताने की बात नहीं है वो। क्यों सर, सब कुछ बता सकते हैं, बोलिए बोलिए। 48 सीट है, यहां बताने की जो बात है मैं जरूर बताऊंगा। 48 सीट है महाराष्ट्र में लोकसभा की जी, 48 सीट है महाराष्ट्र में। वो 48 सीट चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने साजिश रच के मराठा और ओबीसी कम्युनिटी को एक दूसरे के सामने झगड़ने के लिए खड़ा किया। फडणवीस साहब ने खड़ा किया, एकनाथ शिंदे साहब ने खड़ा किया, अजीत पवार साहब ने खड़ा किया। वो अब उनके ऊपर बुमरैंग हुआ है, वो लोगों में नहीं जा सकते। ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन बीजेपी के काल में चला गया, ओबीसी का गुस्सा है और मराठाओं को रिजर्वेशन बीजेपी के वजह से नहीं मिल रहा, मराठाओं का गुस्सा है। मराठा और ओबीसी मिलके 48 सीट पे बीजेपी को हराने जा रहे हैं, आप देखेंगे। तो एमबीए को 48 सीट मिलेंगी, देखेंगे आप। 48 सीट मिलेंगी एमबीए को, कहने का मतलब ये आप बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो बात नहीं कहने जा रहे थे, जो यहां कहने वाली नहीं है, वो भी बोल दीजिए ना सर प्लीज, आपका चैनल है, आप जो भी बोल सकते हैं बोलिए। एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब ने जो नफरत का बीज महाराष्ट्र में बोया है, उनका पेड़ को उनको सामने जाना पड़ेगा। उनको वो जो रोष है, उनको जो असंतोष है, उनको वो सहना पड़ेगा, वो बहुत बुरा रहेगा, बहुत गुस्सा है। लोग तिलमिला उठे हैं, लोगों को कहने के लिए जबान नहीं, लोगों के मुंह से गालियां आ रही। हम वहां जाके लोगों को कह रहे हैं कि गालियां देना नहीं, रस्ते पे उतरना नहीं, आग कहां लगाना नहीं, पत्थरबाजी करनी नहीं, ये हमारा रास्ता नहीं है। ये कहते कहते हम भी थक चुके हैं, इतनी नफरत बीजेपी एकनाथ शिंदे साहब, फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब ने महाराष्ट्र में बोया है। तो अब की बार 400 पार नहीं होगा। वो जो वोट मांगने के लिए जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग उनको बता देंगे। तो अब की बार कितना सर, 200 पार तो होगा कि नहीं बीजेपी महाराष्ट्र में? 48 सीट बीजेपी, एकनाथ शिंदे साहब, अजीत पवार साहब हारने जा रहे हैं, 48 सीट हारने जा रहे हैं। तो 48 तो एकदम मतलब 40 तो एकदम कम हो गई, कहने का मतलब महाराष्ट्र ही तय करेगा ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में महाराष्ट्र तय करने वाला है दिल्ली में किसकी सत्ता आने वाली है। इसीलिए तो मोदी साहब गली गली घूम रहे हैं, पिछले 3 महीने में साहब 6 बार आ चुके हैं महाराष्ट्र में, गली गली घूमना पड़ रहा है मोदी साहब को। तो एक दिन सर, थैंक यू सो मच, मजा आता है आपके साथ बात करके, लेकिन एक दिन IPKF का क्या रोल था, क्या नहीं था, किसने क्या किया, राजीव गांधी जी को किसने भ्रमित किया, इसके बारे में जरूर बात करेंगे सर प्लीज। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हनुमंत पवार साहब आपको बहुत बहुत